वेलकम टू आर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। दोस्तों आज का वीडियो मैथ से रिलेटेड है, जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक एबीसी जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी, जिसका बी एंगल जो है समकोण है और जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, तो अंदर में एक वृत्त भी है, तो ये वृत्त हो गया। और समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो एक जो है 10 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर, तो हम ए बी को 10 मान लिए, बी सी को 24 मान लिए हैं। तो ये जो अंदर वृत्त खींचा गया है इसमें आर बराबर पूछ रहा है कि आर कितना होगा। तो सबसे पहले ए बी तो दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी बराबर मतलब कर्ण बराबर, आप लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो लंब है 10 का स्क्वायर प्लस आधार है 24 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 676 हो जाएगा 676। इसका अंडर रूट करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये हो गया ए सी निकल गया 26। अब हमको निकालना है आर का मान, तो आर बराबर जो होगा, अब हमको निकालना है आर का मान, तो आर बराबर ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण होगा, अब बाई टू कर देंगे इसको, तो लंब है 10 और आधार है 24 माइनस एसी है 26, कर्ण है 26, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 24 34, अब ये 26 घटेगा तो 8 बचेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये जो है रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो पूछा जा रहा है वो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगा। ये शॉर्ट तरीका से इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको इसी विधि से बनाया जा सकता है।